आपकी बंशला परिवार से एक ही साथ भी है, पहचान भी है और संबंध भी है। सर जिस प्रकार से अब की बार जो कांग्रेस टिकट का बंटवारा करेगी तो वो किस प्रकार से लेके आएगी, किस प्रकार से देने का काम करेगी, कार्यकर्ता काम के आधार को देखा जाएगा या फिर वही नाम के आधार को देखा जाएगा? अब कोई इन तीर्थ स्थानों से बस में घुमाने से कहीं शाला से ले जाने से या और किसी देवी देवता के दर्शन करने से पर्ची गोंदी लोग काम कर देखेंगे। नमस्ते, कैसे हैं सर? आज बहुत बढ़िया है सर, आपको आर्थिक से आर्थिक शुभकामनाएं सर, दीपावली की और पूजा की। मेरे को तरफ से भी आपको भी, प्रदेश के लोगों को भी और हरियाणा के लोगों को बहुत बहुत बधाई। ये बाबूराम भजन जी ने आज के दिन जिस तरह से शुरुआत की थी जी सर, होली पे दिवाली पे बाबूराम भजन हमेशा यहाँ पे इकट्ठे करने का प्रोग्राम शुरुआत की थी, उसी पर चिन्हों पे चलते हुए नंदकिशोर और पुरुषोत्तम ने ये प्रोग्राम किया। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, सभी तरह के लोग पार्टी लाइन से हट के यहाँ पे 36 जाति के लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। इस बहाने मेरे जन और कोई ऐसा मौका नहीं जहाँ पे इकट्ठे सभी पार्टियों के मिल पाते होंगे। सर आप तो इसी हरियाणा की मिट्टी की बात करो तो इसकी हवा भी कुछ बदली बदली दिख रही, जैसे राजनीतिक हवा बदलती देखी जा सकती है, तो क्या कहेंगे बदलाव हवा का किस रुख चल रहा? आप जैसे बात कर रहे हो लंबा टाइम हो गया, 9 साल के करीब हो गए बीजेपी को और जो बातें की थी उन बातों में कोई दम नहीं और इसका रिजल्ट आप देख लेना, 5 स्टेटों के अंदर चुनाव होगा, इसी से आपको चेंजेस, हरियाणा की बात छोड़ो बाहर भी चेंजेस है, हरियाणा में तो 100% चेंजेस आगे आनी ही आनी है, लेकिन बाहर के स्टेटों में जहाँ 5 स्टेट चुनाव हो रहे हैं मेरे विचार में राजस्थान में तो थोड़ा ये थोड़ा बहुत मुकाबले में होगी, बाकी कई मुकाबले में नहीं है बीजेपी। एक कांग्रेस के साथ में एक कहीं ना कहीं विपक्ष ने बात को, सरकार की बात को, लोगों की बात को जहन में चर्चा है, एक दाग सा है कि परिवारवाद, तो क्या परिवारवाद से ऊपर क्यों उठ के अब की बार राजनीति करनी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को या किस प्रकार से बात होगी, क्योंकि आप विशेषज्ञ हैं इस चीज के? आप जिस तरह से ये कहते हैं परिवारवाद परिवारवाद, आप जब से हिंदुस्तान आजादी की लड़ाई लड़ रहा था जो नेता थे उनमें से ये मेरे को आप बता दो कौन सा आरएसएस का था, कौन सा बीजेपी, चलो बाद में बनी है जनसंघ थी, कौन से लीडर ने आजादी की लड़ाई के अंदर हिस्सा लिया हो? आज ये सर भी परिवार परिवार ये परिवारवाद, नेहरू गांधी का परिवार ने तो अपनी सारी दौलत अपना इलाहाबाद के अंदर जो इतना बड़ा हाउस था जो इनके खुद नेहरू जी और इनके मोतीलाल जी की वकालत इतनी अच्छी थी, उन सब चीजों को छोड़ के देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, आज इनको परिवारवाद दिखता है। सर मैं आपको कांग्रेस पार्टी के ऊपर घुमा रहा हूँ और आप मुझे भाजपा की तरफ लेके जाते, चलो भाजपा के लिए सवाल ले लेता हूँ सर मैं आपसे एक दो। तो सर जिस प्रकार से सत्ता के अंदर भाई एक मिनट आराम से प्लीज रिक्वेस्ट आपसे, सत्ता में जिस प्रकार से भाजपा पार्टी की बात करूँ तो प्रदेश अध्यक्ष का एकदम चेंज होना, सर क्या बदलाव की तरफ जा रहा है, बीसी बोर्ड को लुभा रहा या फिर जो आज चर्चा बन रही क्या बन रही सर? बीजेपी जब से आई है धर्म के ऊपर और जाति के ऊपर, जाति के ऊपर आप इन नीचे वाले लीडरों की बात छोड़ो, खुद मोदी जी जहाँ जहाँ छत्तीसगढ़ में गए या दूसरे प्रदेशों के अंदर जाते एक ही बात कहते हैं कि भाई मैं बैकवर्ड जाति से संबंध रखता हूँ इसलिए मेरे को कांग्रेस गाली देती है, तो ये कोई बात हुई? इतनी सीनियर लीडर को जो जाति पाति की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए, आज सिर्फ यही बातें करता रहता है, मेरे गाली देते गाली देते। आपको पार्टिकुलरली आपसे कोई बात होगी, कोई बीसी जाति से थोड़ी है, लेकिन वो तो हमेशा जाति के ऊपर धर्म के ऊपर ये बातों के ऊपर कोशिश करते हैं। सर ये बदलाव किया है, अचानक बदलाव किया प्रदेश कार्यकाल में, सर ये क्या मकसद की तरफ लेके जा रहा सर? ये तो देखो ये तो इनका ये सोच है, आप जिस तरह से जो नाराजगी है पब्लिक की वो जिस तरह से एमपी का जो पहले उम्मीदवार था उसको बदल दो, जो एमएलए का चुनाव था उसको उम्मीदवार था उसको बदल दो, जो अध्यक्ष है उसको बदल दो, इन चीजों के लिए ऊपर सिर्फ ये सोच के भी जो नेगेटिविटी है वो पहले वाले के सिर पर मंडी जाए, और ये तो सिर्फ साफ है कि भाई मेरा कहने का हम तो हमेशा 36 जात के लोगों को साथ लेके चले, ये अगर जाति पाति की बात करते तो बीजेपी वाले करते और कोई नहीं करता। देखिए सर अब मैं आपको कांग्रेस पार्टी को ऊपर लेके आ रहा हूँ क्योंकि आप लोहारू से है ना सर, लोहारू से है और आपकी बंशला परिवार से एक ही साथ भी है, पहचान भी है और संबंध भी है। सर जिस प्रकार से
अब की बार जो कांग्रेस टिकट का बंटवारा करेगी तो वो किस प्रकार से लेके आएगी, किस प्रकार से देने का काम करेगी? कार्यकर्ता काम के आधार को देखा जाएगा या फिर वही नाम के आधार को देखा जाएगा? अब जिस तरह आप कह रहे हो चौधरी बंसीलाल जी, ठीक है भाई, बंसीलाल जी से मेरा रिलेशन है, बंसीलाल जी के नाम का हम हमेशा फायदा उठाते हैं, लेकिन आप ये भी क्यों नहीं देखते कि भाई सर ने 75 से लेके आज तक हमने अपना काम धंधा छोड़ के इस राजनीति के अंदर रहे हैं, हमने जो भी काम किए हैं। सर ये बात सत्य है कि आपने शिक्षा सर इस धरती को, ये मान सकते सर? फिर तो अगर कल हमारे को पार्टी से हम क्लेम करेंगे तो इसी बेस पर करें, ठीक है भाई हम बंसीलाल जी के परिवार से, लेकिन हमारा योगदान भी देखो पार्टी के लिए, हमने जो काम किया है पब्लिक में, हमारे रिलेशन भी देखो, लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका हिसाब किताब भी देखो, ये चीजें भी देखे जाएंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के सर अगर आज बात करो सर, तो हर पांच तीसरा चौथा कार्यकर्ता सर टिकटार्थी बन के बैठा हुआ और अपने आप को तो वो मान रहा कि मैं हूँ बाकी कुछ नहीं है। देखो जो पार्टी का माहौल है तो हर एक सोचता है भाई तेरी विद बैठ जाए, टिकट मिल जाए तेरे तो तू भी नेता बन जाएगा, वरना जब संघर्ष के दिनों में या कमजोर थी तब ये लोग कहाँ थे, किस पार्टी में थे? आज मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ, आप हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जैसे आप कह रहे हो, आप चाहे भिवानी लगा लो, चाहे लोहारू लगा लो, चाहे बारडा लगा लो, चाहे दादरी लगा लो, पाँच पाँच चार चार, इसलिए है ना वो पार्टी का माहौल है, अगर पार्टी का माहौल नहीं होता तो शायद इतने उम्मीदवार नहीं होते। सर एक अहम सवाल सर, जिस प्रकार से आपकी एक साख है सर वो पार्टी के अंदर भी है, लोहारू हल्के के अंदर भी है और राजनीति के अंदर भी है सर, उसी प्रकार से कोठी के परिवार की बात करो सर, सर वहाँ पे किम चौधरी की साख भी है, प्रदेश के अंदर भी है और अपने आप को प्रदेश का नेता कहते भी है और वो राष्ट्र नेता अपने को कहते हैं सर, सर श्रुति चौधरी MP है परिवार की बात सर, तो जिस प्रकार से परिवार इतने टिकट मांगने को ऊपर वो उत्साहित है सर, थोड़ा पता है क्योंकि वही बता सकते, मुझे नहीं पता, मैं इससे करूँ नहीं पता, आप बता सकते हैं ना? मुझे नहीं पता, मुझे बताना चाहिए सर, मेरे को पता ही नहीं, मैं तो लोहारू से बाहर कहीं जागता ही नहीं सर। अगर मैं लोहारू हल्के की स्थिति की बात सर, आपके हिस्से में मंत्री जी आए हैं और हरियाणा कैबिनेट के मंत्री, कृषि मंत्री जी आपके हिस्से में और वहीं के MLA हैं सर, तो क्या मानते हैं सर लोहारू हल्का राशन से टच का इलाका सर, बॉर्डर का एरिया है सर, जिस प्रकार से विकास होना चाहिए, मैं आपके राजगढ़ बैल की बस स्टैंड की मैंने वीडियो बनाई थी सर, आपकी बस स्टैंड की सर बड़ा बुरा हाल है सर, मंत्री जी आपके हिस्से में है सर, आप जैसे दिग्गज नेता है, समाज सेवी है सर, क्या कह रहे मंत्री जी, किस प्रकार से अवगत करा रहे कि मंत्री जी बने हो तो कुछ ना कुछ आपकी बात इसको निकल पा रहे? जिस तरह आप बैल की बात कर रहे हो, बहल के अंदर जो बस अड्डा है वो एक मेरे तो गांव के अंदर एक बूथ बनता है उस तरह का बस अड्डा है जी। और ये जब हम विधायक थे उस टाइम 2 एकड़ की जमीन जो पुलिस थाने के पास है वहां पर चिन्हित की गई थी और वो जो रिकमेंड की गई थी, लेकिन बाद में हालात बदल गए थे, आज तक वो बना नहीं है। आप ये देखो पानी की क्या हालत है बहल के अंदर, आप सड़क के ऊपर जिस तरह आप जाते हो सूरपुरा की तरफ या राजगढ़ की तरफ, सड़क के ऊपर पानी खड़ा रहता है, बरसात के टाइम नहीं, बिना बरसात के ऊपर आज तक वो सीवर का ढंग से प्रबंध भी नहीं कर सके। पिछड़ा इलाका था सर आपका था ही, देखिए सर ये अब मंत्री जी इससे आने के बाद में पिछड़ा हुआ दिख रहा सर, तो इसका भूमिका थोड़ा बंद, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब सर सुनने में आ रहा है कि मैं बैल की सर्वे की थी, तो मुख्यमंत्री साहब आए थे वहाँ पे सर, घोषणा करके गए थे कि बस स्टैंड का जिनो उद्धार, बस स्टैंड नया बनेगा, किस प्रकार बताएंगे साहब आए थे, तो उनके सामने तो मेरे विचार में डिमांड बहुत ज्यादा रखी गई थी, सही तो मुझे नहीं पता, शायद 50 के करीब डिमांड की मांग रखी थी सभी की, सब बगैर पढ़े चीफ मिनिस्टर साहब ने कह दिया हाँ ये सभी पूरी हो जाएगी, उन्होंने तो आज तक कोई हारे वहाँ पर सब डिवीजन की बात की गई थी वो आज तक नहीं, तहसील भी नहीं बनी है और वहाँ पर CHC तक वहाँ पर नहीं है, और जिस तरह मैं जिक्र कर रहा हूँ पीने के पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है और बस अड्डे की दही है, ये समस्या ही समस्या है। अलका सर क्या आधार मान के वोट डालते अपने नेता को? उम्मीद तो अच्छी ही करता है पार्टी की हवा के साथ, ठीक है ये लोग भी बह गए थे पार्टी की हवा के साथ गए थे और पार्टी की हवा के साथ वोट दिया था BJP को, वरना BJP का तो इससे पहले कभी उम्मीदवार कभी जीते भी नहीं है। लेकिन सर अगर कुल मिला के बात करें तो आपकी कांग्रेस पार्टी के नेता ऐसे तैयार है, तैयार हो रहे, चाहे तीर्थों की बात हो, फ्री की बात हो, चाहे बसों की फ्री की व्यवस्था की बात हो, चाहे फिर वो दिवाली मिलन समारोह की फ्री की बात हो, चाहे नाथ मंडी के कार्यकर्ता सम्मेलन की भी बात हो, तो सर जिस प्रकार से नेता भी तो करे बात है, लेकिन कोई इन तीर्थ स्थानों से बस में घुमाने से कहीं
शाला से ले जाने से या और किसी देवी देवता के दर्शन करने से पर्ची को लोग काम कर देखेंगे, तालुकात भी देखेंगे हमारे। वो करीब करीब जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ 45 साल हो गए, हमने ऐसे परिवार भी हैं जिनके आज बुजुर्गों से ने भी हमारे साथ काम किया और उनके लड़कों ने भी क्या रहा, आज उनके पोते भी काम कर रहे हैं। जो हमारे संबंध है लोगों के साथ वो चीजें देखेंगे। आज कोई दिवाली के ऊपर कोई कंबल दे देगा, कोई मिठाई का डब्बा दे देगा, इससे कोई पर्ची नहीं मिलती। चलो सर, मैं काफी दिनों से आपको फोन मिला रहा हूँ सर, आप मुझे टाइम दे, आप मुझे टाइम दे, मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो प्लीज आपसे विनती है सर। हाँ सर, आज मैंने वो फोन वाले कसर से मैंने यहाँ निकाल ली। प्रोग्राम तो सर आज गोवर्धन पूजा का, मैंने आज का इंटरव्यू लिया सर। थैंक यू सर।